दोस्तों वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल खामखा व्लॉग। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल के सबसे हाईटेक रेलवे स्टेशन, या मैं कह सकता हूँ इंडिया के सबसे हाईटेक रेलवे स्टेशन रानी कमलापति पे। मैं आपको बता दूँ कि ये जो रेलवे स्टेशन है, वैसे तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे बना हुआ रेलवे स्टेशन है, और भाई साहब ये रेलवे स्टेशन मैं पहली बार आया हूँ। क्या रेलवे स्टेशन बनाया यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट का बिल्कुल कंपटीशन दे रहा है भाई ये रेलवे स्टेशन। ऑल दो अगर मेंटेनेंस इसमें की जाए ना एयरपोर्ट के जैसे, तो ये किसी एयरपोर्ट से कम नहीं दिखेगा। और मैं यहाँ पे रात को ही आ गया था। मैंने आपको इससे पहले वाली जो आपने बस जर्नी देखी थी न्यूगो की, तो मैं इंदौर से भोपाल आ गया था और मैंने यहाँ पे लिया था रिटायरिंग रूम, जो कि उस साइड में था। ये जो आप लिफ्ट देख रहे हैं इसके साइड में था मेरा रिटायरिंग रूम। रिटायरिंग रूम आप कह सकते हैं कि 800 रुपये मुझे मिला था 12 घंटे के लिए, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पर रिटायरिंग रूम, क्योंकि उसकी जो मेंटेनेंस थी वो काफ़ी अच्छी नहीं थी। मैं कह सकता हूँ गंदा था वो, वॉशरूम वगैरह उतना साफ नहीं था। पर हाँ 800 रुपये में जो है ना मैं 12 घंटे यहाँ पर रुका था। और बाकी आप चलते हैं स्टेशन पे, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से जबलपुर जा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि पिछली जर्नी आपने देखी थी वाया जबलपुर, और फिर से हम वाया जबलपुर होके ही वापस जा रहे हैं। आया था मैं महाकाल के दर्शन करने, आपने देखा होगा दर्शन, आई होप कि आपको दर्शन पसंद आए होंगे। अभी मैं जा रहा हूँ घर, और एक बार भाई रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देखते हैं, फिर अपनी हम ट्रेन बोर्ड करेंगे। ट्रेन जर्नी तो मैं दिखाऊंगा, ट्रेन जर्नी भी बहुत खास ट्रेन जर्नी होने वाली है। और ट्रेन जर्नी से पहले हम देखेंगे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो मैं अभी आ रहा हूँ बैक साइड से, आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम बड़ी सी घड़ी, और यहाँ पे ट्रेन वगैरह का सारा डिटेल यहाँ पे जो है ना अभी डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। वैसे आप देख सकते हैं भाई है ना, बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पे साफ़ सफाई काफ़ी बढ़िया है मैं कह सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठने के लिए प्रॉपर जगह वगैरह दी हुई है, बेंच वगैरह लगा हुआ है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या ये रेलवे स्टेशन जो है एयरपोर्ट को टक्कर दे सकता है क्या, आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताइए। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टॉल्स जहाँ पे आपको पीने के लिए खाने के लिए मैगी वगैरह भी है ना आपको मिल जाएगी। और इधर साइड ये लिफ्ट हो गई, और ये आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2-3, और सबसे आगे में प्लेटफॉर्म नंबर 1। यहाँ पे आपको वेटिंग रूम वगैरह भी मिल जाएगा, वॉशरूम वगैरह मेल फीमेल का अलग, और कुछ ऐसा दिखता है यार ये रेलवे स्टेशन। आप देखिए कितना बेहतरीन ये दिख रहा है ये रेलवे स्टेशन। सामने स्कैनर लगा हुआ है, सामने से स्टेशन के एंट्री, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं स्टेशन के अंदर ही रुका था। और यहाँ पे ना खाने पीने के भी काफ़ी सारे स्टॉल्स दिए हैं, और इस साइड में रेलवे स्टेशन के नाम देख सकते हैं, यहाँ पे डॉर्मेट्री वगैरह भी अवेलेबल है, ये मेल डॉर्मेट्री, और उस साइड जाएंगे तो फीमेल डॉर्मेट्री अलग अलग है। और यहाँ पे इसका रेट वगैरह भी लिखा हुआ है, अगर आप रुकना चाहें तो आप यहाँ पे रेट वगैरह भी देख सकते हैं। एसी एयर कंडीशन जो है ना रिटायरिंग रूम जहाँ मैं रुका था 800 रुपये मैंने दिए थे 12 घंटे के, 24 घंटे का उसी का 1500 रुपये हो जाएगा। मेन एसी डॉर्मेट्री जो है वो है 6 घंटे का 350, 12 घंटे का 500, और जो है ना 24 घंटे का 800। तो ये आप देख सकते हैं डॉर्मेट्री वगैरह का रेट है। तो ऐसी कुछ जानकारी है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बारे में। अब हम सीधा बढ़ते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ और अपनी जर्नी को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। बाकी भाई रेलवे स्टेशन में कह सकता हूँ देख के मन खुश हो गया। तो अब चलिए अपने प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एस्केलेटर्स वगैरह लगाए हुए हैं, और ये काम भी कर रहा है। वैसे तो एंट्री वाला जो एस्केलेटर था वो काम नहीं कर रहा था, हमारी ट्रेन निकलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। अभी स्टेशन का तो लुक देख लिया, एक बार चलिए चलते हैं ट्रेन में भी हम बोर्ड करेंगे, और हम देखते हैं भाई रेलवे स्टेशन का क्या लुक है। आधारताल को जाने वाली इंटरसिटी, और यहाँ पे कोच इंडिकेटर्स भी लगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे C2 कोच है। तो हम आज जबलपुर तक का सफ़र कवर करने वाले हैं इस रानी कमलापति आधारताल इंटरसिटी एक्सप्रेस में, जिसमें कि स्लीपर कोच भी है, और आपको एसी चेयर कार कोच भी है, जनरल कोच भी है। वैसे तो इस ट्रेन में 9 जनरल के कोच है, 6 स्लीपर के कोच है, और मेरा कोच है DS1। सीट नंबर मेरी है वो ट्रेन के अंदर जाके बताऊँगा। और बात की जाए इस ट्रेन में ट्रेवल टाइम हमारा कितने होने वाला है, तो ट्रेवल टाइम हमारा होने वाला है 5 घंटे 5 मिनट का। और इस वीडियो को ना बनाने का बहुत ही खास मकसद है, इस ट्रेन को आखिर मैं क्यों कवर कर रहा हूँ। वैसे तो जबलपुर जाना है,
और इस इंटरसिटी एक्सप्रेस को कवर करना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मकसद है। वो मकसद ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो जबलपुर वंदे भारत है उसका किराया बहुत ज़्यादा है और वो ट्रेन डिमांड में बिल्कुल नहीं है। तो भाई ट्रेन डिमांड में कैसे रहेगी, क्योंकि जब उसका फेयर है सीधा 1000 रुपये और इसका फेयर मैं दे रहा हूँ स्लीपर में 150 रुपये, और स्लीपर बता रहा हूँ एकदम साफ सुथरा है इस वक्त पर, स्लीपर में आप सो के जा सकते हैं मात्र 150 रुपये में। वहीं आप अगर जाते हैं ना वंदे भारत में तो आपको चेयर कार का किराया देना होगा 1000 कुछ रुपये, आप समझ लीजिए कहाँ 1000 कहाँ 150 रुपये, ठीक है। उसमें आपको फूड वगैरह भी मिलता है, इसमें आपको फूड वगैरह नहीं मिलेगा, पर वंदे भारत शाम को निकलती है तो आपको सिर्फ आई थिंक आपको डिनर सर्व होगा उस ट्रेन में और बाकी इसमें, समझ गए। ये ट्रेन जहाँ ले रही है ना आपको 5 घंटे 5 मिनट, भाई वंदे भारत लेती है 4 घंटा 35 मिनट, सिर्फ आधे घंटे का फ़र्क है। लेकिन फेयर देखो यार, फेयर कहाँ ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप वंदे भारत प्रेफर करेंगे कि आप इंटरसिटी जैसी आरामदायक स्लीपर ट्रेन प्रेफर करेंगे जब आप भोपाल और जबलपुर के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं। वैसे एक बार ट्रेन डिपार्ट होगी तो जर्नी शुरू करेंगे, जर्नी शुरू होते ही भाई जब यहाँ से ट्रेन निकलेगी ना एक बहुत ही बढ़िया घाट सेक्शन से हम ओके गुजरेंगे, वो घाट सेक्शन भी हम देखेंगे और 5:10 में हम निकलते हैं आपको रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से और बाकी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं हमारा जर्नी एक्सपीरियंस इस ट्रेन में कैसा रहता है। हमारा कोच है ये DS1 और आप देख सकते हैं इस साइड में है, पीछे की साइड में आपको स्लीपर के कोचेस मिल जाएंगे, इस साइड में है इसी चेयर का और आगे और पीछे के साइड में आपको मिल जाएंगे ना जनरल के कोचेस। और हमारी आज की सीट है यार सीट नंबर 12 इस साइड की लोअर और सीट नंबर 10 जो कि है मिडिल बर्थ, और देख सकते हैं स्लीपर में साफ़ सफाई में कह सकता हूँ ठीक ठाक है, और यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट वगैरह स्विच बोर्ड वगैरह भी मिल जाएगा। तो भाई एग्जैक्टली 5:10 पे हमारा डिपार्चर हो चुका है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से, बिल्कुल ऑन टाइम हम निकले हैं। और रेलवे स्टेशन देखिए भाई डिपार्चर यहाँ से हो रहा है और रेलवे स्टेशन ना कितना खूबसूरत लग रहा है। बाकी 5 घंटे 5 मिनट की हमारी जर्नी रहने वाली जबलपुर तक की। चूँकि इस ट्रेन में पैंट्री कार की सुविधा नहीं है इसलिए स्टेशन पर डिपार्ट करने के साथ ही हमें कुछ खाने पीने की चीज़ें ले ली हैं, बिस्किट वगैरह हमने रख लिया है कुछ इमरजेंसी में ये काम आ। सामने की तरफ आप देख सकते हैं इस ट्रेन में जो है चेयर कार कोच भी है, ये रहा सामने की साइड ट्रेन का चेयर कार कोच। अगर आप चेयर कार में ट्रैवल करना चाहते हैं, बैठ के यात्रा करना चाहते हैं एसी कोच में, तो आपको देने होंगे इसके लिए 535 रुपये। वही हम जा रहे हैं स्लीपर में, और वैसे तो स्लीपर का जो किराया है ना इस रूट पे यानी कि भोपाल से लेके जबलपुर तक वो लगभग 225 रुपये का होता है, लेकिन पता नहीं मुझे समझ नहीं आया कि जो सेकेंड सीटिंग का लगभग हमसे फेयर लिया गया 150 और हमें मिला ये स्लीपर कोच। तो और क्या चाहिए यार, इंटरसिटी में आप ट्रैवल करते तो आप याद रखिएगा कि आपकी सीट नंबर जो है वो आपको मिलेगी स्लीपर में जब आप 2S में टिकट बुक करते हैं, उसमें जो 2S का ऑप्शन होता है आप स्लीपर लिखता नहीं है टिकट बुक करने समय, होता वो 2S है, लेकिन जब मैं ट्रेन में आया वैसे ही आप ट्रेन में आएंगे ना तो आपको मिलेगा ये स्लीपर कोच।
टोटल 68 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच चुके अपने पहले हॉल्ट यानी कि नर्मदापुरम में। और यहां मैं कह सकता ना कि ट्रेन हमारी यहां पे लगभग 10 मिनट जो है डिले से आई। और बाकी बात की जाए दो प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। और भाई रेलवे स्टेशन वैसे तो ये ना काफ़ी खूबसूरत मैं कह सकता हूँ। और ये जो रूट अभी तक का आपने देखा भाई, रूट तो काफ़ी मज़ेदार था, मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी सुंदर ये अभी तक का रूट रहा। आपने जो घाट सेक्शन देखा ना वो भी कहने के लिए था, अपने आप में काफ़ी खास था वो घाट सेक्शन। और अब चलते हैं सीधा ट्रेन के अंदर क्योंकि 2 मिनट का ही हॉल्ट है और इसके बाद हम पहुँचेंगे इटारसी जंक्शन जहाँ पर किस ट्रेन का रिवर्सल भी होगा। भाई हमारी ट्रेन इस टाइम पे रुकी है, ये जो इटारसी जंक्शन से पहले जो हनुमान जी का मंदिर है आप सामने देख सकते हैं, आरती चल रही है बिल्कुल बगल से। यहाँ से जो है ना ट्रेन क्रॉस करती है और यहाँ पे बहुत ही अहमियत है इस मंदिर की। आपने कई बार कई वीडियो में देखा होगा और कई बार सुना भी होगा, लेकिन लाइव आरती ट्रेन से भाई हम पहली बार देख रहे हैं कि मंदिर एकदम ट्रेन के बगल में आप आरती एकदम ध्यान से देख भी सकते हैं और बिल्कुल क्लियरली सुन भी सकते हैं। और इस टाइम हमारे बगल से गुजर रही है बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर इसका 20843। भाई इस टाइम हम पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन के दूसरे हॉल्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन यानी कि इटारसी जंक्शन पे। मैं आपको बता दूं कि ये 8वां इंडिया का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे लगभग रोज़ाना 400 से भी ज़्यादा ट्रेन यहाँ से पास होती है। और इटारसी जंक्शन से ना अगर आप इंडिया में कहीं भी जा रहे हैं यानी कि दिल्ली से चेन्नई जा रहे हैं या आप जा रहे हैं मुंबई से हावड़ा, तो आपकी जो ट्रेन है वो इटारसी जंक्शन तो ज़रूर ही से ज़रूर ही क्रॉस करने वाली है क्योंकि ये जो है ना मेन जंक्शन है और जो मध्य प्रदेश का ये कह सकते हैं बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। और इटारसी जंक्शन इसलिए है भाई क्योंकि एक रूट तो वही दिल्ली चेन्नई और दूसरा रूट जो है हावड़ा मुंबई की तरफ जाता है वाया होके वाया, और इससे एक और रूट जाता है वाया जो कि प्रयागराज और जबलपुर की तरफ जाता है। तो अब यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें देख लेते हैं, वैसे ट्रेन में पैंट्री कार वगैरह की सुविधा नहीं है तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ खाने पीने के लिए क्या क्या मिल रहा है, कुछ ले लेते हैं थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए। और यार इटारसी जंक्शन पे ना सुबह के टाइम हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिला, ये सामने जो स्टॉल देख रहे हैं ये प्लेटफॉर्म पे हमारे कोच के आसपास में यही स्टॉल, और यहाँ पे जो है ना और यहाँ पे भाई ब्रेड ऑमलेट वगैरह दे रहे थे। तो भाई सावन का समय चल रहा है, नॉनवेज तो ऐसे भी नहीं खा रहा हूँ। मैंने पूछा इनसे कि आपके यहाँ क्या इडली वगैरह नहीं, क्योंकि इनके यहाँ बोर्ड पे लगा हुआ था। बोले भैया 8 बजे से पहले नहीं आता है, तो आप याद रखिएगा कि आपको नाश्ता यहाँ पे इटारसी पे मिलना बड़ा मुश्किल है अगर आप वेजिटेरियन हैं तो, नॉन वेजिटेरियन है तो चलेगा। तो हमने कॉफ़ी ले ली है फिलहाल, कॉफ़ी से काम चलाते हैं और देखते हैं कि अगले स्टेशन पे अगर कुछ मिल पाए तो ठीक है, नहीं तो सीधा जबलपुर ही जाके नाश्ता होगा भाई हमारा। तो यार लगभग 6:55 पे हम निकल गए है ना ट्रेन के अपने दूसरे हॉल्ट यानी कि इटारसी जंक्शन से, और यहाँ टाइम था 6:40 लेकिन हम निकले हैं यहाँ से लगभग 6 मिनट लेट, आए थे हम वही 5 मिनट लेट और निकले भाई 5 मिनट लेट ही है, मतलब 10 मिनट में इसका लोको रिवर्स हो गया भाई, काफ़ी जल्दी हुआ है लोको इसका रिवर्स। और इसके बाद है पिपरिया जो कि यहाँ से लगभग आप मान लीजिए आधे घंटे की दूरी पे है, लेकिन फिलहाल इटारसी से हम निकल रहे हैं और ट्रेन में अभी तक भाई मैं कह सकता हूँ साफ सफाई अच्छी है। तो यार वो जो आप सामने रेल रूट देख रहे हैं ना, हम उस रूट से आए थे भोपाल से और अब हम बढ़ रहे हैं इस ओर, ये जो कि है टूवर्ड्स जबलपुर और वो है हावड़ा, वो है आपको दिल्ली चेन्नई मेन लाइन, और हम ये जा रहे हैं टूवर्ड्स हावड़ा प्रयागराज वाली लाइन की तरफ जो कि जबलपुर से कटनी और सतना होते हुए चली जाएगी सीधा आपको टूवर्ड्स
प्रयागराज छिवकिया, फिर उसको होते हुए ये रूट निकल जाएगा टूवर्ड्स पटना एंड हावड़ा। तो भाई हम लोग पिपरिया में एंटर कर रहे हैं और सामने लगी हुई है रानी कमलापति जबलपुर शताब्दी एक्सप्रेस, जन शताब्दी, और इसमें सबसे आगे की ओर आप देख सकते हैं विस्टा डोम कोच भी लगा हुआ है। तो यार लगभग 150 किलोमीटर की दूरी कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस टाइम पे पिपरिया स्टेशन, कोड है PPI। और रेलवे स्टेशन इतना मेन है क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेजर ट्रेन तो हॉल्ट होती है। और पचमढ़ी जो हिल स्टेशन मध्य प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट, वो भाई यहीं से उसके लिए जाना है, यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर उसकी दूरी है। और रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं 8:04 पे हम पहुँचे हैं, लगभग आप कह सकते हैं ना यहाँ पे हम 25 मिनट की हम देरी से यहाँ पे पहुँचे, 7:40 का वैसा टाइम था। और रेलवे स्टेशन यहाँ पे समोसे वगैरह मिल रहे हैं सुबह का टाइम है, लेकिन हाँ ज़्यादा स्टॉल्स वगैरह तो मुझे इधर जो है ना नहीं दिख रहे। बाकी यहाँ पे एक बुक स्टॉल है जो कि अभी बंद है। और ये रही हमारी ट्रेन, 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, लगभग यहाँ पे ना 100 से भी ज़्यादा ट्रेन रोज़ाना हॉल्ट होती है। भाई 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हम निकल रहे हैं पिपरिया से, और आप यहाँ पे देख सकते हो ना यहाँ पे जन आहार भी मौजूद है। वैसे तो स्टेशन पर सुबह सुबह समोसे मिल रहे हैं, सुबह सुबह समोसे कौन खाता है यार, लेकिन हाँ भूख तो लग रही है, ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं किया। और 2 मिनट का ही हॉल्ट था बस, लगभग 25 मिनट आधे घंटे डिले हैं हम पिपरिया में, और यहाँ से अब हम निकल चुके हैं टुवर्ड्स जबलपुर। हम लोग पहुंच चुके हैं ना ट्रेन के 6th हॉल नरसिंहपुर में, और भाई यहां से जो है ट्रेन में भीड़ बढ़ते जा रही है। और नरसिंहपुर जो है 250 किलोमीटर तक की दूरी हमने कवर कर ली है, यहां पे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और बात किया जाए नरसिंहपुर, तो भाई ये लॉर्ड नरसिम्हा के नाम पे नरसिंहपुर यहां का नाम रखा गया है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन है जिससे ऑयल निकलता है। और यहां पे 80% मध्य प्रदेश का जो है शुगर केन का प्रोडक्शन होता है जिससे कि गुड़ बनता है, यानी कि ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गुड़ है मध्य प्रदेश में। 2 मिनट का ही हॉल्ट है, यहाँ से निकलते हैं, अब हम सीधा मिलेंगे बीच में कहीं नहीं श्रीधाम, एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पे हॉल्ट है मोती महल, लेकिन अब हम सीधा मिलेंगे जबलपुर रेलवे स्टेशन पर। तो भाई फाइनली जबलपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हमारा अराइवल हो चुका है, और ट्रेन का यहाँ पे जो टाइम था ना वो टाइम था यहाँ पे 10:15, लेकिन ट्रेन हमारी पहुँची है आप कह सकते हैं आधे घंटे की डिले, यानी 11:45। जर्नी एक्सपीरियंस बढ़िया था ट्रेन में, कहाँ वंदे भारत 1000 रुपये और कहाँ 150 रुपये मात्र स्लीपर में, वो भी यात्रा करके आराम से बैठ के हम आ चुके हैं जबलपुर अपने फाइनल डेस्टिनेशन आज के। तो आई होप कि आपने व्लॉग इन्जॉय किया होगा, पूरी जर्नी आपने देखी ली अपने रानी कमलापति और जबलपुर के बीच में। और जर्नी करने का जैसा मेरा मकसद था, भैया वंदे भारत से अगर कंपैरिजन किया जाए जो कि इस रूट पे उतनी चल नहीं रही है वंदे भारत, मतलब उतनी सक्सेस नहीं हुई है वंदे भारत, काफ़ी सीटें खाली जा रही है और कहीं ना कहीं वो वंदे भारत लॉस में चल रही है। तो इसी को दिखाने के लिए एक बार क्यों लॉस में जा रही है भाई, यही डिफरेंस है, कहाँ आप देख लीजिए इंटरसिटी है कहाँ 150 का फेयर, अगर आप चेयर कार में जाते हैं तो 535,
ठीक है। वैसे तो स्लीपर कंफर्टेबल है, मैं कहूँगा रिकमेंड करूँगा बिल्कुल, अगर आप स्लीपर से जाना चाहें, इसके DS जो कि आएगा आपको नाम से उसमें जाना चाहें तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।